मैं तो सबसे पहले पूजनीय महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिल्म उद्योग को जितना सराहा है, फिल्म कलाकारों को, फिल्म के निर्देशक को, निर्माताओं को उन्होंने जितना हिम्मत दिया है शायद ही कोई दे सकता है, क्योंकि पूजनीय महाराज जी ने एक बात कह के हर बात का जवाब दे दिया कि कलाकार जो है, कला जो है, वो ईश्वर का वरदान है। इस तरह का भाव पूजनीय महाराज जी अपने मन में रखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम पे भी कलंक लगाया गया, उंगली उठाई गई, तो कहीं पे इस तरह की चीज़ें बायकॉट जो ट्रेंड चलता है उससे हम लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिल में हमारी इंडस्ट्री के लिए इतनी अच्छी भावना है, उन्होंने कहा कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि समाज को नया दिशा भी देने का काम करती है, और इसलिए लगातार उत्तर प्रदेश में उन्होंने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सुझाव भी दिया, उन्होंने सहयोग भी किया और साधन भी मुहैया कराया। तो इसके लिए पूजनीय महाराज जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। समाज को एक नई दिशा देने में भी अपना योगदान दिया है। ऐसे सभी एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का उत्तर प्रदेश फिल्म बंगों की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। मेरी इच्छा थी सभी महानुभावों के विचारों को मैं सुनूं। आप में से बहुत सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता रहता है और आपके प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश में मुंबई से हमने दो कलाकार को सांसद बनाकर के भेजा है। तो ये लोग आपकी पीड़ा को और यहाँ से जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में भी समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं आप सबको कि आप सब आज यहां पर उपस्थित हुए। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कला या ईश्वरीय एक वरदान है, हर एक के पास नहीं हो सकता है। अलग बात है दृष्टिकोण लोगों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक भाव से देखेंगे तो फिल्मों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है नेशनल इंटीग्रिटी में और समाज को जोड़ने में। तो हिंदी फिल्मों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में जितना बड़ा योगदान दिया है पूरे देश के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और हमें उस अच्छाई को देखना होगा जो लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उनके ज्ञानवर्धन के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के दृष्टि से बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और ये हमारी फिल्मों ने हमेशा किया है, हमें उसको उसी दृष्टिकोण से देखना होगा।